अफगानिस्तान में तालिबान राज आने पर जश्न मनाने वाली इमरान खान सरकार की पार्टी पीटीआई की एक नेता ने कश्मीर को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। नीलम इरशाद शेख ने कहा है कि तालिबान पाकिस्तान के साथ हैं, तालिबान आएंगे और कश्मीर को जीतकर उसे पाकिस्तान को देंगे। नीलम ने ये विवादित बयान पाकिस्तान के बोल टीवी के एक डिबेट में दिया है, जिसे लंबे समय से माना जाता है कि इसके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से गहरे संबंध हैं। नीलम ने कहा कि इमरान सरकार बनने के बाद पाकिस्तान का मन बढ़ा है। पाकिस्तान कहते हैं कि हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो हमें कश्मीर फतह करके देंगे। एंकर ने जब उनसे पूछा कि तालिबान आपको कश्मीर देंगे, ये किसने आपसे कहा है, इस पर नीलम ने कहा, भारत ने हमारे टुकड़े किए हैं और हम फिर जुड़ जाएंगे। हमारी फौज के पास पावर है, सरकार के पास पावर है। तालिबान हमारा साथ दे रहे हैं क्योंकि जब उनके साथ जाती हुई तो पाकिस्तान ने उनका साथ दिया था, अब वो हमारा साथ देंगे। नीलम का ये बयान ऐसे समय पर आया है कि पाकिस्तान पर तालिबान आतंकियों की खुलकर मदद करने के आरोप लग रहे हैं। अफगानिस्तान में जंग के दौरान हजारों की संख्या में आतंकी पाकिस्तान के कबायली इलाके में अफगानिस्तान में गए। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान सेना और आईएसआई की मदद से अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान राज आ गया है। अमेरिका ने 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमला बोला था। इस दौरान अमेरिका ने तालिबान और अलकायदा के खात्मे के लिए पाकिस्तान से मदद ली। वहीं इसके बदले में अमेरिका ने वर्ष 2002 से वर्ष 2018 के बीच में $33 अरब की भारी भरकम आर्थिक मदद पाकिस्तान को दी। इसमें $14.6 अरब की सहायता तो केवल पाकिस्तान सेना को दी गई। इतना पैसा खाने के बाद भी पाकिस्तानियों ने अमेरिका की पीठ में छुरा घोंप दिया और अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान का कब्जा हो गया है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।